भारत देश को किलों का देश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के कोने कोने में कई ऐसे किले हैं जिनके बारे में हम और आप जानते भी नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही किले के बारे में बताने वाले हैं जहाँ से आप पूरा पाकिस्तान देख सकते हैं। जी हाँ, ये किला है मेहरानगढ़ का किला। आइए जानते हैं क्या है इस किले की खासियत। देश के कोने कोने में कई ऐसे किले हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनके निर्माण के बारे में कोई नहीं जानता। देश में मौजूद कई किलों को तो किसी न किसी वजह से रहस्यमयी भी माना जाता है, और ऐसा ही एक किला है मेहरानगढ़ का किला। राजस्थान के जोधपुर शहर के ठीक बीचों बीच स्थित यह किला करीब 125 मीटर की ऊंचाई पर बना है। आपको बता दें कि इस किले की नींव 15वीं शताब्दी में राव जोधा ने रखी थी, मगर इसका निर्माण कार्य कुछ समय उपरांत महाराज जसवंत सिंह ने पूरा करवाया। यह किला भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किले को भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक माना जाता है। 8 द्वारों और अनगिनत बुर्जों से युक्त यह किला ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा है। वैसे तो इस किले के 7 ही द्वार हैं, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इसका 8वां द्वार भी है जो रहस्यमयी है। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि किले के प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीली कीलें लगवाई गई थीं। इस किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे और जालीदार खिड़कियां हैं, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेह खाना और दौलत खाना बेहद खास हैं। इस किले के ही पास में एक चामुंडा माता का मंदिर भी है। कहते हैं इसे राव जोधा ने 1460 ईस्वी में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल में जब राव जोधा जोधपुर के 15वें शासक बने, उसके बाद ही उन्हें लगा कि मंडोर का किला उनके लिए सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए उन्होंने मेहरानगढ़ किले को बनाने की शुरुआत की, और इसी वजह से उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक किला बनवाने की सोची। उस पहाड़ी को भोर चिड़िया टूंग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ काफी संख्या में पक्षी रहते थे। माना जाता है कि राव जोधा ने 1459 में इस किले की नींव रखी थी। तो ये रही मेहरानगढ़ के किले की कहानी। ऐसे ही और रोचक किस्से देखने के लिए देखते रहिए leluram.com। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।